जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों वैसे तो गणेश चतुर्थी देखिए हर माह में आती है, लेकिन भाद्र माह में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी का बहुत अधिक महत्व माना जाता है, क्योंकि ये गणेश जी के जन्म उत्सव के रूप में 11 दिन तक बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। गणपति बाप्पा को मनाने के लिए भक्त तरह तरह की वस्तुएं अर्पित करते हैं, तरह तरह का भोग लगाते हैं ताकि गणेश जी प्रसन्न हो जाए। और गणेश जी को देखिए प्रथम पूज्य माना जाता है, और गणेश जी की पूजा करने से भौतिक, दैहिक और आध्यात्मिक सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान गणेश जी स्वयं रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, शुभ लाभ के प्रदाता हैं। वे भक्तों की बाधा, संकट, रोग, दोष तथा दरिद्रता को दूर करते हैं। और शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि गणेश जी को अगर गणेश जी के दिनों में एक वस्तु अर्पित की जाए तो गणेश जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की जो भी मनोकामना हो उसको अवश्य ही पूरा करते हैं। दोस्तों आज हम उसी की जानकारी दे रहे हैं कि गणेश चतुर्थी के दिनों में अगर 11 दिन तक अगर आप एक वस्तु अर्पित करते हैं गणेश जी को अपनी किसी भी मनोकामना के लिए, चाहे वो धन की है, संतान की है, विवाह की है या पुत्र की है, किसी भी मनोकामना के लिए अगर आप संकल्प करके इन 11 दिनों में एक वस्तु अर्पित करते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसआर फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। गणेश चतुर्थी के दिनों में देखिए सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो वे सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर आपकी कुंडली में किसी तरह के देखिए ग्रह दोष आ रहे हैं तो वो भी शांत हो जाते हैं और आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों गणेश जी बहुत ही शीघ्र देखिए मुंह फुलाकर भी बैठ जाते हैं तो बहुत ही शीघ्र वो प्रसन्न भी हो जाते हैं, और उनको प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। दोस्तों गणेश चतुर्थी के दिनों में अगर आप संकल्प करते हैं, आपकी जो भी मनोकामना है उसको अगर आप अपने मन में विचार करते हैं कि मुझे इस कामना से गणेश जी को ये चीज 11 दिन तक अर्पित करनी है, अगर आप नित्य प्रति उस वस्तु को अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों सबसे पहले देखिए गणेश जी को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए देखिए आपको किसी विशेष वस्तु को अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है, गणेश जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आप हरी दुर्वा, जो हरी घास होती है, उसकी 5, 11 या 21 अंकुर अगर अर्पित करते हैं, और अर्पित करते समय ईदम दुर्वा दलम ओम गण गणपते नमः, ईदम दुर्वा दलम ओम गण गणपते नमः कहते हुए गणेश जी को अगर हरी दुर्वा अर्पित करते हैं, और हरी दुर्वा कभी भी गणेश जी के चरणों में अर्पित नहीं करनी चाहिए, या तो आप उनके मस्तक पर अर्पित करें या उनके हाथ पर अर्पित करें या फिर आप माला के रूप में गणेश जी को पहनाएं। दोस्तों इस तरह से आपको गणेश जी को हरी दुर्वा अर्पित करनी है, और साथ ही देखिए आपको गणेश जी को अक्षत भी अवश्य अर्पित करने चाहिए। अक्षत कभी भी देखिए उबले हुए या कच्चे या सूखे चावल नहीं अर्पित करने चाहिए, और चावल मतलब फूटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत होना चाहिए, पवित्र चावल होने चाहिए। उनको थोड़ा सा गीला करके आप पानी से थोड़ा सा भिगो करके उसके बाद 3 बार गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। इस तरह से आप अक्षत अर्पित करें, और साथ ही देखें जो आपको एक वस्तु का भोग लगाना है। दोस्तों एक वस्तु जो गणेश जी को आपको नित्य प्रति यानी 11 दिन तक भोग लगानी है, दोस्तों आपको देखिए थोड़ा सा गुड़ लेना है और उस पर आपको गाय का घी डालना है। अगर गाय का घी ना हो तो कोई सा भी घी ले लें, और उसकी आपको 21 गोली बनानी है। 21 गोली बनाकर आपको गणेश जी को अर्पित करना है। गणेश जी के आगे आप घी का दीपक जला सकते हैं, और 21 गोलियों का आपको भोग लगाकर, गुड़ की 21 गोलियों का भोग लगाकर आपको गाय को खिला देना है। दोस्तों आप किसी भी गाय माता को खिला सकते हैं। अगर आप 11 दिन तक इसी प्रकार हरी दुर्वा अर्पित करते हैं, अक्षत अर्पित करते हैं, और गुड़ और गाय के घी का भोग लगाते हैं, और उसको भोग लगाने के बाद किसी भी गौ माता को खिला देते हैं, तो यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होगी। इस उपाय को देखिए आप किसी भी मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, अगर आपने अपने घर में गणेश जी की स्थापना करी है तो आप अपने घर में कर सकते हैं। अगर आपके घर में, अगर आपने गणेश जी की स्थापना नहीं भी करी है, अगर आपके घर में गणेश जी की मूर्ति है, तस्वीर है, तो उनके आगे भी इस प्रकार आप नित्य प्रति मतलब भोग लगा कर, ये वस्तु चढ़ाकर अगर आप नियम पूर्वक गणेश जी की पूजा करते हैं, और गणेश जी के किसी भी मंत्र का ओम गणेशाय नमः या उमापत्राय नमः या फिर आप ओम गण गणपते नमः या ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः किसी भी मंत्र का 11-21 बार भी उच्चारण करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों ये बहुत ही अचूक उपाय हमने बताया है शास्त्रों के अनुसार गणेश जी को प्रसन्न करने का, और गणपति बाप्पा जिस पर कृपा हो जाए तो उस व्यक्ति को देखिए उसकी कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो सके,
और गणेश जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। अगर आप संकल्प पूर्वक 11 दिन तक ये वस्तु अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को